हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे जाएंगे, यानी कि क्या होगा या क्या गाइडेंस है नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। सो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। लेट्स सी मेष राशि के लिए क्या मैसेज है। ऑल राइट, सो मेष राशि वालों की अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट 24 आवर्स को लेके, सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी किसी चीज़ को लेके एक स्ट्रेस है या वरी है, या ऐसा लग रहा है कि कोई एक ऐसा काम वो चीज़ पूरी होगी या नहीं होगी, या कोई भी टेंशन क्रिएट हो रही है माइंड में, तो वहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप उस चीज़ को लेके एकदम प्रोटेक्टेड हो। ठीक है, इवन दो ये जो टाइम चल रहा है इसमें थोड़ा सा एक डाउनफॉल का टाइम चल सकता है, या थोड़ा सा स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है, कुछ लोगों को फियर ऑफ फेलियर हो सकता है, कुछ लोगों को फियर ऑफ सक्सेस भी हो सकता है, कि जब हम अच्छा करते हैं तो हमारे दिमाग में प्रेशर होता है कि उसको अच्छा रखना ही है, तो वो चीज़ भी हो सकती है। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप एकदम प्रोटेक्टेड हो, और बल्कि इन चीज़ों में और अच्छा चेंज आने वाला है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वृषभ राशि। ओके, वृषभ राशि वालों की अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट 24 आवर्स में, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको थोड़ा सा आउटकम से डिटैच होके चलना है नेक्स्ट 24 आवर्स में। आप लोग किसी ना किसी टाइप का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, कि आपको, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपका करियर हो। काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे करियर को लेके भी थोड़े से कन्फ्यूज़ दिख रहे हैं, थोड़ा सा किसी आउटकम से लेके काफ़ी अटैच दिखाई दे रहे हो। तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि उसका जो सोल्यूशन है वो आपके बहुत ज़्यादा पास है, इनफैक्ट आपके सामने ही है, लेकिन आपको थोड़ा सा अपना जो माइंड है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स से हटा के अपने इंटरनल फैक्टर्स के ऊपर लेके जाना है। और साथ साथ आपको ये भी बोला जा रहा है कि थोड़ा सा अपने फायर एलिमेंट के ऊपर आपको वर्क करना है, अपनी जो फायर एनर्जी है उसके ऊपर आप जितना ज़्यादा वर्क करोगे उतना ज़्यादा आप एक्शन पे ज़्यादा फोकस्ड रहोगे, रादर दैन कि उसका आउटकम क्या होगा। ठीक है, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मिथुन राशि। ओके, मिथुन राशि वालों के लिए नेक्स्ट 24 आवर्स में मुझे ऐसा लगता है कि आप कम्प्लीटली अपनी एनर्जी में रहने वाले हो। इवन दो कुछ बाहर की ऐसी एनर्जीज़ हो सकती हैं, कुछ कंपैरिजन चल सकता है दिमाग में, हो सकता है कुछ लोग हैं जो एक कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो भी बाहर की चीज़ें हैं, बहुत जो भी ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो आपके माइंड के ऊपर हावी हो रहे हैं या कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अपना पूरा ध्यान अंदर लेके जाना है। ठीक है, यू हैव टू टर्न इन, बाहर की साइड पे नहीं जाना है। और साथ साथ आपको ये भी बोला जा रहा है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको हो सकता है अपनी कोई पोटेंशियल, अपनी कोई हिडन पोटेंशियल भी आपको रियलाइज हो सकती है, क्योंकि अब आपकी एक ऐसी जर्नी स्टार्ट होती हुई दिख रही है जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग निकल के आओगे। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कर्क राशि। ओके, कर्क राशि वालों की बात करूं, वाव, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि अबंडेंस जो है, अबंडेंस मुझे आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, काफ़ी एक होता है ना फाइनेंशियली अबंडेंट फील करना, इमोशनली अबंडेंट फील करना, हर चीज़ में बहुत सेटिस्फैक्शन रहना, तो वो एनर्जी मुझे लग रही है आती हुई। और ये खाली 24 आवर्स की नहीं है, मुझे उससे ज़्यादा के आगे के टाइम की भी लग रही है। आप लोगों को काफ़ी चीज़ों के अंदर आपका फोकस बढ़ने वाला है, आपकी जो क्लैरिटी है वो और ज़्यादा इम्प्रूव होगी, जितनी क्लैरिटी इम्प्रूव होगी उतना ही फोकस आप लोगों का अच्छा होने वाला है। एंड आप लोग किसी चीज़ में मास्टरी भी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, हो सकता है ये कोई कोर्स है, हो सकता है कि अपने ऊपर ही आप मास्टरी करने वाले हो आने वाले टाइम में। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है सिंह राशि। ओके, सिंह राशि वालों की अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट 24 आवर्स में, तो आपके लिए पहली चीज़ तो ये कि कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक आप किसी टाइप के बबल में थे, ठीक है, और अब वो बबल से आप बाहर आने वाले हो। तो जब आप बबल से बाहर आओगे, जो भी आपने इल्यूजन अपने लिए बनाया हुआ था, जब वो इल्यूजन टूटेगा, ठीक है, वो जो माया वाली चीज़ है, जब वो चीज़ हटेगी, तब जाके आपको चीज़ों की रियलिटी दिखनी स्टार्ट होगी, तब जाके आपको पता चलेगा आप कितने पानी में हो, कितने पानी में नहीं हो। तो नेक्स्ट
नेक्स्ट 24 आवर्स में, स्पेशली आपके करियर को लेके, आपकी ग्रोथ को लेके, इन सब चीज़ों को लेके मेरे को ज़्यादा लग रहा है, तो थोड़ा सा एक एडवेंचरस रह सकता है, थोड़ा सा आप कंफ्यूज भी हो सकते हो, इधर उधर भटक सकते हो, लेकिन डेफिनेटली ये चीज़ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी आपको एक नया सच आगे जाके दिखेगा। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है तुला राशि। ओके, तुला राशि वाले जो हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको नेक्स्ट 24 आवर्स में अपनी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। आप अपनी छोटी सी बात से किसी को हर्ट कर सकते हो, आप अपने छोटे से एक्शन से एक बहुत बड़ी चीज़ ख़राब कर सकते हो, एक बहुत अच्छी चीज़ ख़राब कर सकते हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ है या आपकी वो प्रोफेशनल लाइफ है। तो इस चीज़ को लेकर आपको बहुत ज़्यादा यू नो माइंडफुल रहना है। और उसके साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि तुला राशि वाले जो है ना, आपके दिमाग में आप इतना ओवरथिंक कर लेते हो कभी कभी कि आपके दिमाग में ही वो फाइटिंग चलती है, बैटल चलती है, सामने वाले का उस चीज़ से कुछ लेना देना हो या ना हो, सामने वाला आपके बारे में कुछ ऐसा सोचता हो ना सोचता हो, लेकिन आपको ज़रूर सोचना है, आपको डेफिनेटली उस चीज़ को लेके फाइट करना है। तो आपके लिए मैसेज ये है कि आपको वो एक्स्ट्रा फाइटिंग नहीं करनी है, अपने आप से लड़ना बंद करो, ओके। और साथ साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई शेयरिंग होती हुई दिख रही है, हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ना, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अनएक्सपेक्टेड कोई या तो कोई गेस्ट आ सकता है या यू नो कुछ घर पे कुछ आ सकता है काफी लोगों के लिए। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कन्या राशि। ओके, कन्या राशि की अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट 24 आवर्स में आप काफ़ी चीज़ें लेट गो कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है आप इमोशनली थोड़ा सा सफ़र कर रहे थे, आप कहीं ना कहीं किसी टाइप के पेन या डिसअपॉइंटमेंट में थे, और अब धीरे धीरे आप उस चीज़ को लेट गो कर रहे हो। आपका जो धीरे धीरे जो फोकस है वो न्यू फ्रेंडशिप्स पे आ रहा है, यू नो अपने आपका जो सोशल एनवायरनमेंट है वो और इम्प्रूव होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप काफ़ी अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनाते हुए दिखाई दे रहे हो, इवन दो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा ये चीज़ करना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जो भी आप लेट गो करने की कोशिश, कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि पुराने दोस्त लेट गो कर रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे लोग जिनका शायद से अब आपकी लाइफ में पर्पस ख़त्म हो चुका है, ठीक है, तो वो लोग भी हो सकता है कि आपकी लाइफ से लेट गो हो रहे हैं, और वहाँ पे आपको थोड़ा सा बर्डन फील हो सकता है, आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग लग सकता है, लेकिन ये वही चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा नीड है। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वृश्चिक राशि। ओके, वृश्चिक राशि वालों की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको थोड़ा सा यू नो अवेयर होके रहने की नीड है, बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है या तो आप किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो, या फिर आप सामने वाले को फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, या आप उस चीज़ को लेके कम्प्लीटली लेज़ी हो चुके हो। तो ये आपको देखना है कि आप अपनी लाइफ में ऐसे कौन से एस्पेक्ट को लेके आप ऐसे हो रखे हो। ओके, सो यहाँ पे जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो ये है कि आप यू नो जब एक होता है ना कि हम आँख बंद करके सामने वाले पे ट्रस्ट करने लग जाते हैं, एंड जब हम वो चीज़ करते हैं तो हम अपने एफर्ट्स भी हटा देते हैं, हम खुद भी मेहनत करना बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ हो रही है, और आपके लिए बार बार आपको मैसेज आ रहा है, हो सकता है आपके ड्रीम्स के थ्रू भी आपको कुछ ना कुछ मैसेज मिल रहा हो कि आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, और आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है कि इस लेजीनेस से बाहर आओ एंड बी मोर एक्शन ओरिएंटेड। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है धनु राशि। ओके, धनु राशि वालों की अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट 24 आवर्स में एक कार्मिक साइकिल है जो आई थिंक एक ऑनगोइंग कार्मिक साइकिल है, तो हो सकता है कि जो नेक्स्ट 24 आवर्स हैं या इन जनरल प्लैनेटरी वाइज हो सकता है कि ये थोड़ा सा टाइम ऐसा चल रहा हो कि एक बहुत बड़े शिफ्ट का, और ये शिफ्ट बहुत पॉजिटिवली ना आए, ठीक है। थोड़ा सा एक सेटबैक हो सकता है, एक डार्कनेस हो सकती है, आप गलत रास्ते पे चल सकते हो, इन सब चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा टेम्पटेशंस हो सकती हैं, जिस चीज़ से आपको दिक्कत है, अगर फिज़िकली कोई इशू है उसी चीज़ को लेके कुछ कुछ ना कुछ खाने को लेके क्रेविंग हो जाएगी। ये कुछ ऐसी चीज़ें लग रही हैं कि जिससे आपका माइंड थोड़ा स्टक फील हो सकता है, थोड़ा एजिटेटेड फील कर सकते हैं आप। तो आपके लिए जो मैसेज है वो नेक्स्ट 24 आवर्स में ये है कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि शुड और शुड नॉट के ऊपर आपको चलना है, ठीक है, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, रादर दैन क्या मन कर रहा है क्या नहीं कर रहा है।
ऑलराइट। और साथ साथ जैसे जैसे आप ये शुड और शुड नॉट वाली चीज़ को फॉलो करोगे या अगर किसी की गाइडेंस को आप फॉलो करोगे तो वैसे वैसे आप धीरे धीरे इस चीज़ से बाहर निकल भी जाओगे। कुछ लोगों के लिए ना मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि रिसेंटली आपकी कोई फिजिकल इंजरी हुई है तो उस चीज़ के लिए भी ये मैसेज हो सकता है। लेट्स सी मकर राशि के लिए क्या मैसेज है। ओके, जो मकर राशि वाले हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं तो अगर आपको पता होगा कि इनर चाइल्ड क्या होता है, इनर चाइल्ड वूंड्स होते हैं हमारे, कुछ ऐसे वूंड्स डेवलप हो जाना हमारे बचपन में और उसका जो प्रभाव आता है, उसका जो इम्पैक्ट आता है वो आता है जब हम अडल्ट हो जाते हैं। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर लग रही है कि वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट, एक ऐसी चीज़ जो बहुत टाइम से स्टक थी, अनहील्ड थी, वो अब हील होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आपको अपनी खुद की एक पोटेंशियल का कुछ रियलाइजेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है और साथ में जो लोग आध्यात्मिकता में हैं वहाँ पे तो उनकी जर्नी अवेयरनेस पे बहुत अच्छी पहुँचने वाली है। थर्ड आई जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बैलेंस और एक्टिवेट होने वाली है और काफ़ी लोगों को लेके जो मुझे मैसेज लग रहा है, एक वो ये भी मैसेज है कि कुछ ऐसे लोग, अगर आप अपने करियर में अच्छा कर रहे हो या अगर आप फाइनेंशियली अच्छा कर रहे हो, कुछ ऐसे आसपास के लोग हैं जिनकी नज़र है आपके पैसों पे या वो नज़र लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भगवान को आप थैंक यू बोलते रहो, अगर नज़र उतरवानी है वो उतरवाते रहो, बट ग्राउंडेड रहो और इन लोगों से बच के रहो। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कुंभ राशि। ओके, कुंभ राशि वालों की अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट 24 आवर्स को लेके, तो आपके लिए जो मैसेज है वो ये है कि कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, एक ऐसी सिचुएशन बन जाना जहाँ पे आप केयरलेस होके कुछ डिसीजंस ले सकते हो। तो आपको बिल्कुल भी केयर फ्री होके, केयरलेस होके, मन कर गया तो चलो कर लिया, वो उस चीज़ को ध्यान में रखना है कि कोई भी ऐसा रिस्क, कोई भी ऐसा स्टेप, कोई भी ऐसा एक्शन या डिसीजन नहीं लेना जो आप बहुत ही स्पॉन्टेनियस तरीके से ले रहे हो। ओके, क्योंकि बाद में आपको उस चीज़ को लेके कुछ ना कुछ ऐसा रियलाइजेशन हो सकता है कि शायद से जिस तरीके से मैं देख रही थी या देख रहा था वो चीज़ वैसी थी ही नहीं। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मीन राशि। ओके, मीन राशि वालों को लेके जो मैसेज है वो ये है कि ये जो टाइम है आपका, ये थोड़ा इमोशनल मैच्योरिटी को डेवलप करने का टाइम है। ठीक है, इनफैक्ट इंटेलेक्चुअली भी आपको थोड़ा सा मैच्योर होने की नीड है इस टाइम पे। एंड इट्स नॉट दैट कि आप मैच्योर नहीं हो या कुछ भी ऐसा, जैसी जैसी नई नई सिचुएशंस आती है हमारा मैच्योरिटी लेवल और ज़्यादा बढ़ना चाहिए, तो ये वही एक टाइम है। और साथ में आपको बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की नीड है, लेकिन पेशेंस का मतलब ये नहीं है कि आप लेज़ी हो जाओ या आप अपनी चीज़ों को डिले करने लग जाओ या प्रोकैस्टिनेट करने लग जाओ। आप जो कर रहे हो आपको वही करना है, लेकिन उसका जो आउटकम है, आउटकम का वेट आपको थोड़ा सा करना पड़ सकता है। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली हो। बाकी मैं मिलूंगी आपको कल फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।